हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से सभी का स्वागत है नेकबैंड का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों बोट के तरफ से और एक नया स्मार्टवॉच आने वाला है जिसका नाम है बोट वॉच फ्लैश। तो मेरे हाथ पे जो ही ये है बोट वॉच एक्सटेंड, और इसी के बाद बोट एक नया स्मार्ट वॉच लेके आ रहा है जिसका नाम है बोट वॉच फ्लैश। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी बोट वॉच फ्लैश के बारे में, आप लोगों को उसके साथ साथ बताएंगे इसका प्राइस कितना हो सकता है, इवन दोस्तों ये कब तक लॉन्च हो सकता है, सारी चीज़ के बारे में क्लियरली आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग बोट वॉच एक्सटेंड के ऊपर जितने भी मैंने वीडियो बनाया है वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाओ दोस्तों आई बटन पर आप लोगों को मिल जाएगा वो वीडियो, जाके ज़रूर दोस्तों चेक कर लेना। और हर एक सोशल मीडिया पर अगर आप लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फर्स्ट लिंक चेक कर लेना, वहां पे जाके आप लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। और अगर चाहते हो क्लब हाउस पे जुड़ने के लिए तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, जाके जरूर जुड़ जाना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये जो बोट वॉच फ्लैश है इसके बारे में बोलने के लिए मैं आप लोगों को लेके चलूंगा मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, बिकॉज ये जो डिवाइस है ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है तो मैं बिफोर लॉन्च बना रहा हूँ। तो इस पर जो भी हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन कंपनी के तरफ से प्रोवाइड किया गया है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों का जो एक कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में कि स्मार्ट वॉच को लेना चाहिए कि नहीं, उसी के बारे में आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। सो दोस्तों मैं आ गया अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात जो कर रहे हैं इस वॉच का जिसका नाम है बोट वॉच फ्लैश। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे ये जो बोट वॉच एक्सटेंड था उसका अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे जाकर देख लेना। उसके बाद उसका इनडेप्थ रिव्यू भी किया। और ये जो बोट वॉच फ्लैश है जिसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल्स पे, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एकदम फर्स्ट लुक पे बात करूँ तो राउंड डायल के साथ आता है। यहाँ पे आप लोगों को क्राउन देखने को मिल जाता है बट ये एक नॉर्मल बटन की तरह काम करेगा, कोई भी ऐसा क्राउन काम नहीं करेगा जो आप लोग एप्पल वगैरह वॉच पे देखते हो। जो कलर वगैरह दोस्तों यहाँ पे रखा गया है काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है, जहाँ पे ब्लैक है, रेड आप लोगों को देखने को मिल रहा है ब्लैक के साथ, एंड उसके साथ साथ ब्लू भी मिल रहा है आप लोगों को ब्लैक डिज़ाइन के साथ। तो बेसिकली जो केस है वो ब्लैक देखने को मिल रहा है, स्ट्रैप का कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे राउंड डायल के साथ आता है तो ऑब्वियसली इसका एक्सेस एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इवन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लैट सरफेस के साथ आता है, मतलब चारों साइड पे आप लोगों को ये जो बॉर्डर इसका बम्प देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप पानी वगैरह से इसको धो भी रहे तो पानी वहाँ पर स्टक नहीं होगा और आपको यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप नॉर्मल से इसको अगर पानी से धो रहे तो ये पानी जो है वो बह जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करें तो यूनिक स्लिम डिज़ाइन एर्गोनॉमिक्स के डिज़ाइन के साथ आता है राउंड डायल, ट्रूली मेकिंग वॉच फ्लैश इज़ अ पीस ऑफ रेयरिटी। तो वो तो आगे हम लोग देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के अंदर। और यहाँ पे हैशटैग यूज़ हो रहा है वॉन पर्स्ट एवरीवन। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ये जो डिवाइस है इसका, तो ये 1.3 इंचेस के LCD डिस्प्ले के साथ आता है। तो क्वालिटी जो है वो आप लोगों को एवव एवरेज मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरा बोट वॉच एक्सटेंड का वीडियो देख के रखे हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि LCD डिस्प्ले पे बोट का जो डिवाइसेस होते या स्मार्ट वॉचेस होते हैं वो किस टाइप का जो है परफॉर्मेंस देता है। इवन दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल कलर का स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, जैसे एक्टिव ब्लैक, इलेक्ट्रिक ब्लू एंड विविड रेड। तो यहाँ पे तीन कलर आप देख सकते हो। यहाँ पे तो आपको ब्रीदिंग गाइड भी मिल जाता है, 24/7 ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, SpO2 मिलता है, एंड उसके साथ साथ स्लीप मॉनिटरिंग भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, BP मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो अगर आपको BP वगैरह मेजर करने के लिए कोई स्मार्ट वॉच चाहिए तो ये स्मार्ट वॉच आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों क्लेम कर रहा है 7 days ऑफ बैटरी लाइफ, बट या ऑब्वियसली इट्स बेस्ड ऑन योर यूसेज, आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। जैसे मैंने बोट वॉच एक्सटेंड की रिव्यू वीडियो पे आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि दोस्तों कि ये जो डिवाइसेस होते हैं स्मार्ट वॉचेस की यूसेज के ऊपर, जैसे आप कितने ब्राइटनेस पे रख रहे हो, कितने नोटिफिकेशंस इसके साथ आप सर्व कर रहे हो, ये सारी चीज़ जो है वो आप लोगों को मैटर करता है बैटरी हेल्थ पे। तो उस हिसाब से अगर देखते हो तो आप नॉर्मली 3 दिन का बैटरी लाइफ जो है वो पकड़ सकते हो एज अ नॉर्मल यूज़ पे। हैवी यूज़ पे 2 दिन से ज़्यादा आपको बैटरी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल वॉच फेसेस हैं, जो वॉच फेसेस जितने भी यहाँ पे शोकेस किया गया है वो
काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे किस टाइप का आपके हाथों के ऊपर ये सेट होगा, किस टाइप का देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे डाउनलोड क्लाउड वॉच फेसेस फ्रॉम बोट वेरेबल ऐप, तो बोट वेरेबल ऐप पर अंदर जाके आप यहाँ पे जो डिवाइस है इसके अंदर क्लाउड वॉच फेसेस जो इसको डाउनलोड कर सकते हो। डेली एक्टिविटी ट्रैकर एंड 10 स्पोर्ट्स मोड के साथ आता है, रनिंग, स्कीपिंग, क्लाइंबिंग, वॉकिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग, योगा, फुटबॉल, साइकिलिंग। तो ये सारे जो है स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, एक्टिविटी ट्रैकर वगैरह सारे चीज़ें, सैडेंटरी एंड हाइड्रेशन अलर्ट्स आप लोग को देखने, बेसिकली वाटर रिमाइंडर वगैरह देखने को मिलता है। IP68 स्वेट वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट के साथ आता है, सो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप पानी के नीचे चले जाए इसको पहन के। बट हाँ, नॉर्मली अगर आपको लगता है कि कभी पानी वानी पे धोना है, इसको थोड़ा क्लीन करना है, तो यू कैन डू इट विद दिस स्मार्ट वॉच, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन अलर्ट्स देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो जितने भी अलर्ट्स होगा, लाइक आपके मैसेज के अलर्ट, आपके सोशल मीडिया का जितने भी हैंडल्स है उसका अलर्ट्स वगैरह, सारे चीज़ प्रॉपरली आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। इवन दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे कॉल वगैरह अगर मतलब आ रहा है, वो सारे चीज़ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप लोगों को कॉलिंग फीचर देखने को नहीं मिलता है। लाइव वेदर फोरकास्ट है, क्यूरेटेड कंट्रोल्स के साथ आता है, म्यूजिक कैमरा कंट्रोल आप कर सकते हो। तो ये है दोस्तों बेसिकली मेन जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस स्मार्ट वॉच व्हिच इज बोट वॉच फ्लैश। सो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया बोट वॉच फ्लैश का क्या क्या स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप पकड़ सकते हो कंफर्म स्पेसिफिकेशन है बिकॉज ये अमेजन स्पेशल्स पे आ चुका है, कंपनी इसको प्रोवाइड करता है। तो सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करके अगर मैं बात करता हूँ कि क्या आपको ये स्मार्ट वॉच लेना चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूँगा हाँ आप लोगों को लेना चाहिए, अगर इस स्मार्ट वॉच का प्राइस 3000 के आसपास हो, मतलब 3000 से 3500 के अंदर अगर इसका प्राइस हो तो ठीक ठाक है, बट उससे ज़्यादा हो जाएगा तो मत लेना। 3000 के अंदर होगा तो एकदम परफेक्ट है, अगर 3000 तो 3500 के अंदर है तो चलता है, ओके है, बट उससे ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड। बट दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, ये जो डिवाइस है इसका प्राइस मेरे को जितना तो लग रहा है अंडर 3000 ही होगा, बिकॉज जो भी स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो हिसाब से, मतलब अगर देखते हो बोट वॉच एक्सटेन का प्राइस था 2999 लॉन्च प्राइस, तो इसका भी कहीं ना कहीं उसके आसपास होने वाला है। और बेसिकली ये जो बोट वॉच एक्सटेन है इसका ही एक राउंड डायल शेप के साथ ये वाला जो नया स्मार्ट वॉच है बोट वॉच फ्लैश ये आ रहा है। आप स्पेसिफिकेशन अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और लॉन्च वगैरह का डेट अगर मैं बात करूँ तो लग रहा है कि इस मंथ के अंदर, नहीं तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।